रायबरेली में बकरी खेत में जाने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। आपको बता दें कि भिड़ंत के दौरान दोनों पक्षों के 9 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया। मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के पट्टी रहस्य कैथवल गांव का है। जानकारी के मुताबिक यहां के रहने वाले राजू की बकरियां ललित के खेत में चली गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। वही सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 12वीं की परीक्षा में यूपी में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कांचा विश्वकर्मा को जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने एक दिन का जिलाधिकारी बनाया। आपको बता दें कि एक दिन की जिलाधिकारी बनाने के बाद कांचा विश्वकर्मा ने सबसे पहले एक महिला फरियादी की प्रार्थना पत्र पर कहा कि मैं जिलाधिकारी आकांक्षा विश्वकर्मा बोल रही हूँ, लेकिन DM की आवाज बदली होने पर जब अधिकारी ने मोबाइल नंबर फोन देखा तो कहा कि जय हिंद मैम और पूरी बात सुनकर फोन काट दिया। वही एक दिन की जिलाधिकारी बनाने के बाद आकांक्षा विश्वकर्मा ने कहा जहां शिकायत लेकर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना, वहीं जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करके विभागों की जानकारी भी ली। आकांक्षा विश्वकर्मा ने बताया कि उसके पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और वो 3 भाई बहन हैं। इस बार 12वीं की परीक्षा में यूपी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और पढ़ लिख कर IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। आकांक्षा विश्वकर्मा ने कहा कि आज के समय में लड़कियों को पढ़ाई जरूरी करना चाहिए ताकि बढ़कर राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सके। क्या करना चाहती हैं आगे? सर मैं आगे चल के एक IAS ऑफिसर बनना। आज एक दिन की आप DM बनी हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आगे आपको मौका मिलता है? सर इसके लिए प्राथमिकताएं तो यही रहेंगी कि मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं IAS बनना चाहती हूं। तैयारी कर रही हूँ। Yes, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे मजदूर हैं। मजदूरी करते हैं? Yes, sir। कितने भाई बहन हैं? 3 बहन एक। किस स्कूल में पढ़ती हैं? मैं सुभनंदन सुखाने इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और अभी 12th पास आउट हूँ। क्या रैंक थी? मेरे 12th में यूपी मेरिट में मेरी 3rd रैंक। आपको पता है मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आज के दिन? महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपनी शिक्षा को शिक्षा की ओर अग्रसर रहें और शिक्षित बने, जिससे कि हमारा मतलब विकास की दर बढ़ सकती है। आज मिशन शक्ति के तहत एक दिन की जिलाधिकारी बनाई गई, क्या है छात्रा, क्या अब तक क्या कुछ इनसे जन सुनवाई की कराई गई? जैसा कि आपने बताया मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत एक बेहद कैंपेन चल रहा है, जिसमें सभी विभागों के द्वारा अपने अपने विभागीय योजनाओं और कार्यों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी महिलाएँ हैं उन तक जनता की उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक और सशक्त करने के लिए सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज एक दिन की सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी के रूप में भी हमारे जनपद की होनहार छात्रा को यहाँ पर बनाया गया है, जो एक दिन की जिलाधिकारी बनी है, जो आपने भी देखा। उसी के तहत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहती है कि जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए, योजनाओं का लाभ उन तक त्वरित रूप से पहुँचाया जाए। उसी के क्रम में लोगों के द्वारा आज आपके जो समक्ष भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत की गई, आपने फिर उनको सुना अच्छे से और उनके निस्तारण के भी आदेश दिए हैं। और इसके अतिरिक्त हम अलग अलग जो भी हमारे कार्य होते हैं प्रशासन के अंतर्गत उसके बारे में भी आपको बताएंगे।